सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 400 साल प्रकाश पूर्व के उन्होंने बचपन जीवन और कुर्बानियों से चानना पाया। सिखा ने नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्हों का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर विखे होया। आपका बचपन का नाम त्यारमल सी। आपके माता जी का नाम नानकी जी, पिता का नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से। आपके दो प्रमुख अध्यापक भाई बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी सन। आपने 14 साल की उम्र में ही करतारपुर विखे हुई लड़ाई में अपनी तलवारबाजी दिखा दी। उसी समय तो आपका नाम त्यागमल तो तेग बहादुर रखा गया, भाव तलवार का धनी। आपका विआह लाचन की सपुत्री माता गुजरी जी नाल होया। 1664 ईस्वी में श्री गुरु हरकृष्ण जी ने अपने ज्योति जोत समाउन तो पहला ही अपन सिख संगतों को यह इशारा दे दिता कि उन्होंने अगला गुरु बाबा बकाला विखे। जो ये खबर बाबा बकाला विखे पहुंची तो उत्थे 22 सोटियां ने अपन 22 मंजिलां स्थापित कर लिया। हर कोई अपने आप को गुरु अखवाउन लगा। मक्खन शालवाणा नाम का एक व्यापारी से जो एक बार उसका जहाज समुद्र में डुबन लगा तो उसने गुरु जी अगे अरदास की कि जेकर उसका जहाज किनारे पर लग जाए तो वह उन्होंने चरणों में 500 सोने दिया मोहरा भेंट करेगा। मन्नत अनुसार जो मक्खन शालवाणा गुरु जी ने बाबा बकाला विखे गया तो उसने उत्थे 22 गुरुओं को देख के हैरान रह गया। उसने हर गुरु अगे 2 सोने दिया मोहरा भेंट करनिया शुरू कर दिया। जो उसने गुरु तेग बहादुर जी अगे 2 सोने दिया मोहरा भेंट कीतिया तो गुरु जी ने अगे कहा जहाज डुबन समय तो तू कह रहा है कि 500 मोहरा भेंट करनिया तो हूँ की होया। यह सुन के मक्खन शाह लुभाणा बहुत खुश होया तो वह उसने उच्ची उच्ची रौला पा दिता, गुरु लादो रे गुरु लादो रे, भाव गुरु मिल गया है। 1664 ईस्वी में गुरु जी गद्दी उत्ते विराजमान होया तो उस समय गुरु जी ने बहुत सारिया यात्रावान कीतिया। इन्हों यात्रावान का मुख्य मतलब सिख धर्म का प्रचार करना ते देश में अज्ञानता दूर करना सी। गुरु जी ने कहनूर के राजे तो जमीन लैके उत्थे आनंदपुर साहिब नगर भी बसाया सी। लंबे समय के व्यवता जीवन तो बाद आपके घर 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बाल गोविंद राय जी ने जन्म लिया। उस समय देश में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन सी, कश्मीर में शेर अफगान का राज सी। वो लोगों को धक्के नाल इस्लाम धर्म कबूल करने लिए कह रहे सन। उन्हां तो तंग हो के कश्मीरी पंडित 25 मई 1675 ईस्वी में गुरु जी को आए तो गुरु जी ने हिंदू धर्म की रक्षा लई अपनी शहादत देने का निर्णय किया। अंत 11 नवंबर 1675 ईस्वी में गुरु जी ने दिल्ली के चांदनी चौक विखे शहीद कर दिता गया। अजकल उस स्थान पर सीसगंज नाम का गुरुद्वारा सुशोभित है। आपके गुरु ग्रंथ साहिब 59 श्लोक 57 शब्द दर्ज हैं। सत श्री अकाल।